नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक क्यू एंड ए सेशन पे रहेगा। तो लास्ट टॉपिक हमने शॉक एब्जॉर्बर का और सस्पेंशन सिस्टम का पढ़ा था, तो आज जो भी उसकी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था शॉक एब्जॉर्बर की टाइप्स लिखें। देखिए, दो तरह का शॉक एब्जॉर्बर होता है, एक होता है फ्रिक्शनल शॉक एब्जॉर्बर, दूसरा होता है हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। सेकेंड क्वेश्चन है, पुराने ज़माने में कौन से शॉक एब्जॉर्बर प्रयोग किए जाते थे? जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी उसमें फ्रिक्शनल शॉक एब्जॉर्बर का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के टाइप्स लिखिए। देखिए, ये बेन टाइप का होता है, पिस्टन टाइप का होता है या टेलीस्कोपिक टाइप का होता है। नेक्स्ट है, कार्य के अनुसार शॉकर कितने प्रकार के होते हैं? कार्य के अनुसार शॉकर दो तरह के होते हैं, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। नेक्स्ट है, शॉक एब्जॉर्बर लगाने से पूर्व किसका निरीक्षण करना चाहिए? उसमें शॉक एब्जॉर्बर में बेसिकली निरीक्षण ब्रैकेट एंड पिनों का निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, शॉक एब्जॉर्बर का जो ऑयल होता है किसके मिश्रण से तैयार किया जाता है? ये टर्बाइन तेल या ट्रांसफॉर्मर का एक तेल आता है, उससे बेसिकली बनाया जाता है। आजकल कौन से शॉक एब्जॉर्बर सबसे अधिक प्रचलित हैं? टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर में कितने चैम्बर होते हैं? इसमें दो चैम्बर होते हैं। देखिए, शॉक एब्जॉर्बर और ये शॉकर बेसिकली एक ही चीज़ होती है। जो टेक्निकल लैंग्वेज है इसमें हम इसको शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। शॉक एब्जॉर्बर इसका नाम इसलिए पड़ा कि सड़क के शॉक्स को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। इसके अंदर का अरेंजमेंट ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोलिक है तो उसके अंदर ऑयल और उसका जो अरेंजमेंट है पिस्टन का, वो इस तरह से होगा कि वो रोड के शॉक्स हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आई होप इस चैप्टर की जो क्यू एंड ए थे सेशन था उसमें आपको आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हुई होंगी। फिर भी अगर कोई पेंडिंग क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।